नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि आप गूगल में किसी भी इमेज को फिल्टर वाइज कैसे सर्च करेंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो जानते हैं गूगल की ये ट्रिक क्या है। इसके लिए आपको गूगल का अपना होम पेज ओपन कर लेना है। मैंने अपने वेब ब्राउजर में पहले से ही गूगल का होम पेज ओपन किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है जो भी आप इमेज सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे इमेज सर्च करनी है एरोप्लेन। जैसे मैं एयरप्लेन लिखने के बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने किस टाइप का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मुझे इमेज पर क्लिक करना है तो मेरे सामने सारी इमेज आ जाएंगी जिसमें एरोप्लेन अवेलेबल है। लेकिन अभी यहाँ पर हर टाइप के एरोप्लेन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ स्पेशल एरोप्लेन को सर्च करना चाहता हूँ फिल्टर लगाकर। तो कैसे करेंगे? अब आप करना क्या है, आपको यहाँ ऊपर टूल्स पर क्लिक करना है। टूल पर क्लिक करने के बाद जो ये इमेज है आपको किस साइज की इमेज सर्च करनी है, अभी आप देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ये वाली 1280 × 720 पिक्सल्स में है, ये 2658 × 1664 पिक्सल्स में है, ये 1024 × 668 पिक्सल्स में है। इसी टाइप से सभी इमेज अलग अलग साइज की यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं स्पेशल साइज की इमेज सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं साइज पे क्लिक करने के बाद किस टाइप की इमेज भी चाहिए यहाँ पर मैं उस टाइप की मैं कर लूँगा। मुझे 800 × 600 की इमेज चाहिए तो यहाँ पर मैं 800 × 600 सेलेक्ट कर लूँगा। तो जितनी भी इमेज होंगी यहाँ पर 800 × 600 से ज़्यादा साइज की इमेज हो सो होंगी। उसी प्रकार से आपको किस कलर के एरोप्लेन की इमेज चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे रेड कलर के एरोप्लेन चाहिए तो मैं रेड पर क्लिक कर दूँगा, सभी यहाँ पर रेड कलर के एरोप्लेन आ जाएंगे। या इसके अलावा ग्रीन कलर के एरोप्लेन देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ग्रीन वाले एरोप्लेन आ जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर यूजेस राइट्स जो हैं, इसके अलावा यूजेस राइट्स में आप ये देख सकते हैं कि आप जो इमेज लेना चाह रहे हैं क्या वो कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत तो नहीं आती है। अगर आप ऐसी इमेज को यूज करते हैं जो कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत आती हैं तो आप पर उस इमेज का मालिक क्लेम भी कर सकता है। लेकिन हम ऐसी इमेज भी यूज करना चाहते हैं जो कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत ना आती हो, तो यहाँ से हम उस फिल्टर को सेट कर लेंगे। देखिए सबसे पहला फिल्टर है लेबल फॉर रीयूज विद नो मॉडिफिकेशन, यानी कि इसको क्लिक करने के बाद जो भी इमेज हमारे सामने शो होंगी उन इमेज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन इन इमेज में कुछ चेंजेस करने के बाद हम ऐसे के ऐसे इमेज को यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा लेबल फॉर रीयूज, अगर मैं इस वाले ऑप्शन की इमेज को देखूं तो इन इमेज को हम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि इन इमेज को हम ऐसा का ऐसा उठाकर कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके अलावा अगर आप नॉन कॉमर्शियल रीयूजेबल इमेज चाहते हैं मॉडिफिकेशन का तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और लेबल फॉर नॉन कॉमर्शियल रीयूज, यहाँ पर आप नॉन कॉमर्शियल में इमेज को सीधा रीयूज कर सकते हैं। उसके अलावा टाइप, किस टाइप्स की इमेज चाहिए, यहाँ पर फेस फोटो क्लिप्स, मान लीजिए आपको ये क्लिप आर्ट चाहिए एरोप्लेन के, तो यहाँ पर मैं क्लिप पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने सभी एरोप्लेन के क्लिप आर्ट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई भी फोटो नहीं, सब एरोप्लेन की क्लिप आर्ट ही अवेलेबल है और एनी टाइप में सभी प्रकार की इमेज होंगी। या आपको एरोप्लेन के आइकन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके लिए आपको ये कहाँ मिल जाएंगे, साइज में आइकन मिल जाएंगे, आइकन नहीं है एरोप्लेन के तो नहीं आएंगे, हम साइज नहीं कर देते हैं। ओके, उसके अलावा दोस्तों आपको टाइम्स कब तक की इमेज चाहिए, यानी कि आपको बहुत पानी में तो नहीं चाहिए, नई इमेज चाहिए जो पास्ट वीक में अपलोड की गई थी, अगर हाँ तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो इमेज है पिछले 4-5 घंटे में या
या 4-5 दिन में अपलोड की गई है, सभी भी लिखा हुआ है, 3 डी एगो 5 डी एगो, ठीक है, सभी के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर, सब टॉप मोस्ट न्यू इमेजेस अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शन में 100 साइज वाइज सेट कर सकते हैं। अगर आपको एक फिल्टर का आता है तो ये फिल्टर क्लिक कर देंगे, आप पहले से ही नॉर्मल सेटिंग्स पर आ जाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे आने वाले सभी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।